न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के नए कौंसल जनरल फ़कीर सैयद आसिफ हुसैन के मुताबिक मारूफ फनकार जमील फ़खरी के बेटे अली फ़खरी के कत्ल केस की न्यूयॉर्क में पुलिस हुकाम तफ्तीश कर रहे हैं और ये तफ्तीश जब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती उस वक्त तक पुलिस हुकाम इन तफ्तीशी मामलों को किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि क्योंकि डेड बॉडी जो है मैच अप हुई है, अब उसकी इन्वेस्टिगेशन अब शुरू होगी। टुडे इज द डे वन। अभी कल को मीडिया ये कहे कि जी हमें हमारे साथ फाइंडिंग शेयर करेंगे, उनकी फैमिली कहेगी, यकीन कहेगी। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि नॉर्मली जब इंटरोगेटर्स होते हैं, ये जो डिटेक्टर्स होते हैं, जब ये किसी लीड पे काम कर रहे होते हैं, दे डोंट शेयर इन्फॉर्मेशन विद यू इवन विद दी आई डोंट एक्सपेक्ट कि जब मैं उनसे बात करूंगा जो डिटेक्टिव इसके ऊपर लगे हुए हैं, वो मुझसे कोई एनी डिटेल जो है उनमें से शेयर करेंगे, वो कभी भी नहीं करेंगे। वो शेयर उस वक्त करेंगे मेरे साथ जब वो किसी कंक्लूजन पे पहुंच गए जाएंगे। न्यूयॉर्क कौंसलेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में कौंसल जनरल का कहना था कि पुलिस हुकाम पर हम अपना दबाव बरकरार रखेंगे, लेकिन इस केस में फखरी खानदान का किरदार अहम होगा। कि वी विल मेंटेन प्रेशर विद द हेल्प ऑफ द फैमिली। फैमिली के बगैर हमारे लिए जरा मुश्किल हो जाएगी। हो सकता है कि उनको फैमिली के बयान की जरूरत पड़े, हो सकता है जो उनका भाई जो कैनेडा में है उसके साथ वो ऑलरेडी रबते में है। न्यूयॉर्क में अली फखरी की बॉडी 22 माह के बाद शनाख्त हुई, अब कातिल कानून की गिरफ्त में कब आएगा? कौंसल जनरल के मुताबिक इस सवाल का जवाब आने वाले वक्त में मालूम होगा। मोहसिन ज़हीर, चैनल 5, न्यूयॉर्क।